بسم الله الرحمن الرحیم. میٹنگ شروع کرنے سے پہلے یا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنا میسج کے اندر رجسٹریشن نمبر لکھ کے اس کو ایک بار انٹر کر دیں، اس طرح آپ کی اٹینڈنس جو ہے نا وہ ہو جائے گی. کائنڈلی رائٹ یور رجسٹریشن نمبر ان دا میسج ان دس وے. Your attendance will be marked. ہاں جی، اقرا لیاقت، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر، آ رہی ہے. چلیں بھائی شروع کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے یہ ون وے ٹائپ ہی ہوگا، اس میں میں لیکچر ڈلیور کر دیتا ہوں اور اس میں پھر لاسٹ پہ جو ہے نا آپ لوگوں سے کچھ کوئسچنز اگر آپ کرنا چاہیں گے تو وہ لے لیں گے. درمیان میں جو لوگ آتے جائیں گے میں ان کو جوائن کرواتا جاؤں گا، اور اس کا جو ڈیوریشن ہے اس میں میکسیمم ہم 40 منٹس تک جا سکتے ہیں، اور 40 منٹس کے بعد ہمیں دوبارہ جو ہے وہ جوائن کرنا پڑتا ہے. تو لیٹس کہ اگر یہ درمیان میں بریک اپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس میں دوبارہ جو ہے نا وہ آپ کو انویٹیشن آئے گا تو آپ اس کو جوائن کر لیجیے گا تاکہ یہ کنٹینیوٹی رہے. تو آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، ڈرگ نیوٹرینٹ انٹریکشن. تو اس میں نہ صرف یہ کہہ لیں کہ اولڈ ایج کے اندر یہ ایشو فیس کیا جاتا ہے بلکہ ڈیلی لائف کے اندر بھی ہم اس کو فیس کرتے ہیں. تو بعض دفعہ ہم ڈاکٹر کے پاس جب میڈیکیشن کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دوائی جو ہے نا وہ کھانا کھانے سے پہلے کھانی ہے یا کھانا کھانے کے بعد کھانی ہے. تو ہماری اتنی کم از کم انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ چیزیں سیپریٹ لینے سے یا اکٹھا لینے سے کچھ ایشوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور جب ہم اولڈ ایج کی بات کریں، جیریٹرکس کی بات کریں، تو اس وقت یہ سچویشن اور زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ نمبر ایک ان کا امیون سسٹم بڑا فریجائل ہوتا ہے، نمبر ٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ میڈیکیشنز پہ ہوتے ہیں. تو اور تیسرا ایشو جو ہے وہ بعض دفعہ جب کسی وجہ سے وہ اپنا اورل روٹ جب انٹیک کا اس کو مینٹین نہیں کر پاتے تو پھر انٹرنل فیڈنگ جس کو ہم ٹیوب فیڈنگ کہتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور ٹیوب فیڈنگ میں آپ کو پتا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک ڈائجسٹیبل فارم میں چیز کو شفٹ کر کے
ट्रांसफर करके ग्राइंडर के थ्रू या जो भी मैकेनिकल डिवाइसेस अवेलेबल है, तो स्टोमिक के अंदर या जहां तक वो ट्यूब जो है वो आपने इंसर्ट की हुई है वहां तक उसको शिफ्ट करना होता है। तो सेम रूट जो है वो मेडिसिन ने यूज करना है, सेम रूट जो है वो फूड ने यूज करना है, तो वहां पे भी इंट्रैक्शन होने के चांसेस हैं। तो लास्ट पे जाके हम कुछ जनरल टिप्स की बात करेंगे कि जिनको जिन पे अमल करके हम किसी हद तक इन इंट्रैक्शन को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। जी, तो ड्रग बेसिकली वो मेडिसिन आप कह सकते हैं कि जो हमें किसी इलनेस से रिकवरी के लिए हेल्प करती है, ठीक है, या ये कोई ऐसी सब्सटेंस है कि जो बॉडी के अंदर एक या एक से ज्यादा फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करती है। ड्रग्स जो है यूजुअली ओरली एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, और कुछ मेडिसिन्स आप समझते हैं कि इंट्रावेनस उनकी जरूरत पड़ती है। नॉर्मल जो रूट है वो ओरल इनटेक है, और ओरल इनटेक में जो भी चीज हम खाते हैं वो तकरीबन 8-9 मीटर के करीब जो एक पैसेज बनता है माउथ से लेके एनस तक, ये सारा फूड भी इसी रूट को फॉलो करती है और ड्रग भी इसी रूट को फॉलो करती है। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स आएंगे जिनमें इंजेशन से लेके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जो है वो शामिल है। तो इंट्रैक्शन होने के चांसेस इसी वजह से हैं कि ड्रग या न्यूट्रिएंट्स या फूड बेसिकली दोनों जो है वो सेम रूट फॉलो कर रहे हैं। ड्रग इंट्रैक्शन जो है ये अगर इसकी हम डेफिनेशन करना चाहें तो ये बेसिकली एक ऐसा इंट्रैक्शन है जो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनामिक्स, ये हम बाद में देखते हैं दोनों डेफिनेशंस जो है इनसे क्या मुराद है, ड्रग्स के केस में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ये ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन है या न्यूट्रिएंट की जो एब्जॉर्प्शन है या इनका जो इंट्रैक्शन है, इनका मेटाबॉलिज्म है, इनकी जो आखिरी फेज एक्सक्रीशन है उनको अफेक्ट करना, तो इससे अल्टीमेटली न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो डिस्टर्ब होता है। चाहे वो ड्रग का इंपैक्ट पूरा ना हो बॉडी के ऊपर वो भी नुकसानदेह है, या इसका एक्सेसिव इंपैक्ट हो जाना ये भी नुकसानदेह है, क्योंकि बाद दफा क्या होता है कि इस इंट्रैक्शन के नतीजे में बायो एक्टिवेशन हो जाती है, ड्रग जो है वो ज्यादा एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। और कुछ मेडिसन ऐसी हैं कि जिनमें हम चाह रहे होते हैं कि वो ज्यादा या फौरी एक्टिव ना हो, उनका स्लो एक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एस्थमा, इस वाले केस में जो मेडिसन ली जाती हैं उनका स्लो इम्पैक्ट होना चाहिए लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, उनकी डोज जो है उसको ज्यादा से तक इफेक्ट रहना चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से जो है वो कुछ प्रिकॉशंस जो है वो दी जाती है। तो फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इनको अगर हम देखें तो दोनों जो है वो फार्माकोलॉजी की ब्रांचेज हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स जो कि सेकेंड यहाँ पे हमें नजर आ रही है, ये बेसिकली फेट ऑफ ड्रग कह लें इनसाइड द बॉडी, जैसे हम फेट ऑफ फूड कहते हैं ना, फेट ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये होती है कि फेट ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, और उसमें इनटेक से लेके उसकी डाइजेशन, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसका मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये सारा कुछ आ जाता है। और वहां पे मकसद क्या होता है कि ये जो भी हम खा पी रहे हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, और उनके नतीजे में हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे बॉडी के अंदर जो वियर टियर का प्रोसेस है उसको बेहतर होना चाहिए, ठीक है, और डेली लाइफ की जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं वो होनी चाहिए। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या हो गया भाई कि फेट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, कि वो दवाई जो है ना वो जाके टूटेगी कैसे, फिर जज़्ब कैसे होगी, क्या वो डायरेक्ट उसका डिफ्यूजन का प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्या वहाँ पे कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्या किसी कैरियर की जरूरत पड़ेगी कि उसको एब्जॉर्ब किया जाए और फिर उसको ट्रांसलोकेट करना, और ट्रांसलोकेशन उस जगह तक लेके जाना जिसको मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे रहा हूँ कि जहाँ पे उसकी जरूरत है, और फाइनली वहां पे जाके उसका मेटाबॉलिज्म होना, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमें फिर
वहां पे उसकी कुछ जो भी एक्शन है वो मिलेगा और उसके नतीजे में डेफिनेटली हम किसी इलनेस को फेस कर रहे हैं, उससे रिकवर होना चाहते हैं, तो ड्रग को वो काम करना चाहिए और उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं रहती कि वो बॉडी के अंदर स्टोर करे, वो ब्लड में सर्कुलेट करती रहे या वो किडनीज में जाके चली जाए या वो एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाए, बल्कि मेन टास्क ये है कि इसको बॉडी में से एलिमिनेट कर जाना चाहिए। तो ये अगर आप समझ गए हैं तो अगली जो ब्रांच है इसकी ड्रग की वो फार्माकोडायनामिक्स है और ये बेसिकली ड्रग इटसेल्फ जो ड्रग है उसके साथ डील करती है कि ड्रग का कोर्स ऑफ एक्शन कैसे है, यानी मैकेनिज्म कह लें आप कि ड्रग जो है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो बॉडी में जाके एक्ट करती है, फिर ये ब्रेक डाउन कैसे होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ड्रग के रिलेटेड जो चीज है ना, इसका मैकेनिज्म जो है उसके रिलेटेड जो चीज है उसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहेंगे। तो इंट्रैक्शन जो होता है ड्रग का या न्यूट्रिएंट का, उसके नतीजे में फार्माकोडायनामिक्स भी अफेक्ट होती है और उसके नतीजे में फार्माकोकाइनेटिक्स भी डिस्टर्ब होती है। डेफिनेशंस के बाद अब हम बात करते हैं कि ड्रग की भी लाइफ साइकिल की फोर स्टेजेस हैं, बिल्कुल ये उसी तरह ही है जैसे फूड के सिलसिले में। तो नंबर वन स्टेज क्या है कि ड्रग शुड बी डिसॉल्व्ड इनटू यूजेबल फॉर्म इन द स्टमक, और फूड के बारे में भी यही होता है कि जो भी डिसॉल्व होना है, जो भी डाइजेस्ट होना है, वो सारा कुछ स्टॉमिक में होता है, मेजर पोर्शन स्टॉमिक में डाइजेस्ट होना होता है। ठीक है, एक्सेप्ट फैट कैरिंग मटेरियल है उसके लिए हमें बाइल सिक्रीशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स आएंगे, लेकिन आप मेजर पोर्शन आप कह सकते हैं कि जो चीज स्टॉमिक में हजम नहीं हुई वो फिर बॉडी से ऐसा जब एक्सक्रीट कर जाएगी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो जो स्टेज है वो ये है कि ड्रग जो अब डाइजेस्ट हो गई है इट शुड बी एब्जॉर्ब्ड, और एब्जॉर्ब होने के बाद इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड, और ट्रांसपोर्ट इसको कहाँ पे होना चाहिए, जहां पे जाके इसने काम करना है, साइट ऑफ एक्शन। तीसरी चीज जो है वो ड्रग का असल में प्रॉपर फंक्शन है, यानी अगर आपने पेन किलर लिया है तो वो पेन से आपको रिलीफ आनी चाहिए, अगर आपने एंटी कन्वलियंट कोई मेडिसिन यूज किया है, सीजर्स के अगेंस्ट कोई मेडिसिन यूज की है तो वो उसमें से मसला उसका हल होना चाहिए, और जब उसने अपना काम कर लिया है तो चौथी स्टेज ये आ जाती है कि इसको बॉडी में से एक्सक्रीट करना चाहिए, और एक्सक्रीशन के लिए जो बॉडी के रूट ऑफ एक्सक्रीटरी रूट्स हैं उनमें मेजर पोर्शन जो है वो किडनी प्ले करते हैं, और बास चीजें ऐसी हैं जो कि लिवर जो है उनको मेटाबलाइज करता है, उनको एक्सक्रीट करता है। तो यानी आपका एक किडनी सिस्टम यूज होगा और एक जीआईडी सिस्टम भी यूज होता है जहां से फीकल मास के थ्रू जो है वो चीजें बॉडी से एलिमिनेट की जाती है, और बास चीजों में ये दोनों अपनी अपनी जगह पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये चार स्टेजेस हैं भाई, इनको आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, चाहे वो डाइजेशन थी, उसकी एब्जॉर्प्शन थी, उसकी ट्रांसलोकेशन और वहां पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, और फाइनली उसका बॉडी में से एक्सक्रीट होना है। तो अब असल टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देंगे कि ये मैकेनिज्म कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। बेसिकली ये मैकेनिज्म जो है ये इनटेक की स्टेज पे हो सकता है जहाँ पे हम ड्रग को इनटेक कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है जहाँ पे ड्रग ने जाके एब्जॉर्ब होना है, और तीसरी स्टेज आ जाती है जहाँ पे इन्होंने जाके मेटाबलाइज करना है, और फाइनली एक्सक्रीशन वाली फेज आ जाती है। तो अब इनटेक वाली फेज पे अगर हम देखें डिटेल्स इनकी जो है इन प्रोसेसेस की, ये नेक्स्ट आएगी लेक्चर में, लेकिन पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग कुछ मजीद जो है वो अपने आप को क्लियर कर लें। तो एग्जांपल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ड्रग्स कैन आल्टर फूड इनटेक, और इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि जब हम खुदा खासा किसी इलनेस को सफर करते हैं और फिर मेडिकेशन के ऊपर रहते हैं तो हमारा खाने पीने को दिल नहीं करता, इवन वो चीज
जिसको हम बड़ा लाइक करते हैं, हमारी फूड फेवरेट आइटम्स के अंदर वो चीजें शामिल होती हैं, उनको भी खाने को दिल नहीं करता। ठीक है, तो होता क्या है, आप कहते हो मुंह का जायका बदल गया, मुझे भूख नहीं लग रही, ठीक है, या मुझे चीज नहीं हजम हो रही, जो मैंने खाया पिया था वो हजम नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पहले फैक्टर है कि जायका जो टेस्ट चेंज हो जाना और खाने को दिल ना करना, ये इनटेक के साथ एसोसिएटेड है। ओरल इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली चेंज हो जाता है। तो इसमें से मेन जो एम्फेसिस है वो फैक्टर्स के ऊपर है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनटेक डिस्टर्ब होता है, और हर फैक्टर के साथ जो है यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। तो मेडिसन जो है ये काफी लंबी चौड़ी डिटेल है, इनकी मैंने एक सेपरेट फाइल जो वर्ड फॉर्मेट में ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन के नाम से अपलोड की है, तो वहां पे इन सब मेडिसन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटेलस अगर एक मेडिसन है तो ये किस पर्पज के लिए यूज होती है, ठीक है, इसी तरह कोई बहुत सारी इसमें से एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारी इसमें से पेन रिलीवर्स हैं, ठीक है, तो डिफरेंट क्लासेस हैं मेडिसन की, उस हिसाब से उनको मैंने वहां पे लिख दिया। आप उनको डिटेल में से पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम फील होगी उसको हम डिस्कस कर लेंगे, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपको ये फैक्टर्स का सिर्फ पता होना चाहिए। जैसे नंबर एक उसमें लिखा है कि ड्रग कैन आल्टर द एपीटाइट, तो एपीटाइट अगर डिस्टर्ब हो गई है तो फिर ये मसला जो है वो अच्छा, बार दफा हो सकता है कि हम एपीटाइट को खुद डिस्टर्ब करना चाहते हैं, स्पेशली वो वाला केस के जहाँ पे कोई इंडिविजुअल जो है वो ओवरवेट है या ओबेसिटी सफर कर रहा है। तो ओवरवेट और ओबेसिटी वाले इंडिविजुअल के साथ मसला ये है कि वो फ्रीक्वेंटली फूड इनटेक करता है, और फूड इनटेक जो है उसको हम किसी तरीके से जो है वो उसका रोकना चाह रहे होते हैं। तो नंबर वन आ गया आल्टरिंग द एपीटाइट। तो अगर एपीटाइट डिस्टर्ब हो गई तो मेडिसन या इलनेस की फॉर्म में तो हमें तो न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, हमारा तो बीएमआर जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका था, ठीक है, तो अब उस केस में अगर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा के बजाय हम कम लेना शुरू कर देंगे तो रिकवरी का प्रोसेस जो है वो काफी स्लो हो जाएगा। सेकेंड जो है वो इंटरफियरिंग विद द टेस्ट और स्मेल, और टेस्ट ना होने की वजह से हम बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा नौजिया एंड वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं कि मेडिसन लेने से या तो ऐसे लगता है कि वोमिट आने लगी है या वोमिट आ जाती है। चौथे नंबर पे ओरल इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। ओरल इन्वायरमेंट से चेंज होने से मुराद क्या है, फॉर एग्जाम्पल माउथ ड्राई हो जाना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, इरिटेट द जीआईटी ट्रैक, ये एक और रीजन भी आ सकती है, और जीआईटी ट्रैक जो है ये माउथ से शुरू हो गया प्रोसेस सारा जो है। तो अगर आप समझते हैं कि मेडिसन खाने से आप सिस्टम के अंदर कोई इरिटेशन फील करते हैं तो फिर भी बंदा डिस्करेज करता है कि मैंने ये मेडिसन नहीं लेनी, और स्पेशली कुछ मेडिसन जो कि एसिडिटी को बेहतर करने के लिए यूज की जाती हैं, वो कई किस्म का अल्सर क्रिएट कर देती हैं बॉडी में जाके इरिटेशन की वजह से। और लास्ट सेगमेंट जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाना माउथ के अंदर, वूंड्स हो जाना, सोर्स हो जाना या जख्म हो जाना, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसके नतीजे में भी बंदा जो है वो डिस्करेज होगा, उसका दिल नहीं करेगा कि वो चीज़ों को यूज कर सके। तो ये सारे फैक्टर जो यहाँ पे एपीटाइट से लेके टेस्ट, वॉमिटिंग, ओरल इन्वायरमेंट, ठीक है, सोरनेस, ये सारे जो है वो फूड के इनटेक के साथ एसोसिएटेड है। ड्रग्स ने ये काम कर दिया है कि अब हमारा खाने पीने को दिल नहीं करता। जी, सेकंड मैकेनिज्म जो है वो स्टेज है जो एब्जॉर्प्शन वाली है। अब एब्जॉर्प्शन वाली स्टेज को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेप ऐसा है कि जहां पे ड्रग्स की वजह से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाती है, और दूसरा स्टेप ऐसा है कि जिसमें फूड खाने की वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाती है, यानी या तो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, दोनों चीजें खतरनाक हैं।
तो चाहे ड्रग्स की वजह से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो तो फिर भी हमारा बॉडी जो है वो कंप्रोमाइज होगा, और चाहे फूड की वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी हेल्थ स्टेटस जो है फिर वो भी कंप्रोमाइज होगा। तो ये दोनों स्टेप्स जो है वो नुकसानदेह हो सकते हैं। इस वाली स्टेज को रोकना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, इसमें क्योंकि बॉडी के अंदर जाके मैदे में जाके चीजों ने डाइजेस्ट होना ही होना है। ड्यूरेशन जो है वो मील टाइम ड्यूरेशन उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी हद तक इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, लेकिन इसको रोकना बहुत मुश्किल है। अगर वो बंदा कहे ना कि मैं ये एक्शन नहीं होने दूंगा, रिएक्शन जो है ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों चीजों ने सेम सिस्टम को फॉलो करते हुए गुजरना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की। तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है इसमें फॉर एग्जांपल स्टोमिक की एसिडिटी अगर चेंज हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होगी। हो सकता है कि कुछ फूड ऐसी हो कि जो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही, इस वजह से कि मैदे के अंदर उतनी एसिडिटी नहीं है, उतना एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और बाज दफा ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंटीसिड्स क्या हैं कि जो हम एसिडिटी रोकने के लिए मेडिसिन यूज करते हैं। तो कोई बंदा ऐसा वो कहता है कि जब भी मैं खाता पीता हूँ तो मैदे में एसिडिटी हो जाती है, तो फिर उसको ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि उसकी एसिडिटी का लेवल कम रहे। अब उसने एसिडिटी तो कम कर ली, लेकिन उसके नतीजे में आयरन की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या वो जो भी फूड खा रहे हैं उस फूड में जो आयरन अवेलेबल था उसकी एब्जॉर्प्शन लोअर लेवल पे चली जाएगी। इसी तरह डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाती है, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि डाइजेस्टिव जूस हमें चाहिए फूड को हजम करने के लिए, और अगर डाइजेस्टिव जूस जो है वो अपने लेवल से कम प्रोड्यूस होता है तो फिर भी फूड की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकेगी और वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से निकल जाएगी और हमारे लिए वो कोई एनर्जी या इस तरह के न्यूट्रिएंट्स उसने जो देने थे वो नहीं दे सकेगी। तीसरा मैकेनिज्म जो है वो मोर्टैलिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। मोर्टैलिटी आपको पता है कि अगर ये स्पीड अप हो जाए तो उसको हम डायरिया कह सकते हैं, और अगर ये स्लो हो जाए तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। तो ना डायरिया अच्छी चीज है ना कॉन्स्टिपेशन अच्छी चीज है। तो जिस बंदे का ये डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो मोर्टैलिटी है उसको वो रेगुलेट करने में कामयाब हो जाता है, उसकी सेहत अच्छी हो जाती है। हमारी बहुत सारी बीमारियों की मसला ही यही है, या तो हम कॉन्स्टिपेशन फेस करते हैं या फिर फूड का मूवमेंट बॉडी में इतना तेज होता है कि हम उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और ये स्पेशली लैक्सेटिव जब हम खाते हैं तो उससे ये चीजें फेस करते हैं। लैक्सेटिव मेडिसिन भी अवेलेबल है, और बाज दफा फूड भी ऐसी होती है जिनके अंदर लैक्सेटिव नेचर होती है, और फूड अगर तेजी से गुजर जाएगी तो अल्टीमेटली उसमें से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। इसके अलावा ड्रग्स जो है वो बाज दफा कुछ इंजाइम सिस्टम्स को इनएक्टिवेट कर देती है, और इंजाइम्स के बगैर हम समझते हैं डाइजेशन भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लाइपेज जो है ये फैट के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, तो अगर लाइपेज जो है वो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता तो अल्टीमेटली मील के अंदर जो फैट वाला कंपोनेंट है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। पांचवें नंबर पे ये है कि म्यूकोसल डैमेज हो जाना, और ये रास्ता बना देगा इन्फ्लेमेशन का, और इन्फ्लेमेशन अगर लॉन्ग टर्म पे है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कई किस्म के अल्सर भी हो सकते हैं। तो स्पेशली कीमोथेरेपी बड़ी इंटेंसिव फॉर्म है मेडिकेशन की, उसका साइड इफेक्ट्स जो है वो पिछला जो हमने लिखा है ना मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म के, जिसमें ओरल इनटेक डिस्टर्ब हो जाता है, फूड का इनटेक डिस्टर्ब हो जाता है, तो कीमोथेरेपी ना सिर्फ फूड इनटेक को डिस्टर्ब करती है बल्कि ये म्यूकोसल डैमेज भी कॉज करती है, और उसके नतीजे में और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा कैंसर जैसे मर्ज में से गुजर रहा है तो फिर उसमें कह लें कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके अलावा ड्रग्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर लेती हैं अपने साथ, तो फॉर एग्जांपल एंटीसिड्स जो है वो फास्फोरस को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली बॉडी को फास्फोरस अवेलेबल नहीं होगी,
और बॉडी में जो फास्फोरस ने काम करने हैं वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो सकेंगे। तीसरा मैकेनिज्म भाई इसमें, अब फूड खाने की वजह से जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो प्रॉपर बॉडी में नहीं पहुंच रही होगी, वो प्रॉपर काम परफॉर्म नहीं कर सकेगी। तो नंबर वन मैकेनिज्म एसिडिटी चेंज का ही है, ये हमने ऊपर भी देखा है कि ड्रग्स ने एसिडिटी को चेंज कर दिया तो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होगी। और यहाँ पे फूड ऐसी है कि जिनके अंदर एसिड का लेवल ज्यादा है, तो जब एसिडिटी बढ़ जाएगी मैदे की तो उसके अंदर फूड की डिजॉल्व होने की, सॉरी जो ड्रग के डिजॉल्व होने की एबिलिटी है, डाइजेस्ट होने की एबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी फूड खा ली जिसने एसिडिटी को जाके एनहांस कर दिया और उसके साथ ऐसी मेडिसिन ले ली कि जो एस्थमा पर्पस के लिए थी। तो मैंने पहले भी आपसे बात शेयर की है कि एस्थमा की मेडिसिन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर रखने के लिए यूज की जाती है और रेस्पिरेशन हमें सारा दिन चाहिए होती है, 24 आवर्स का मैकेनिज्म है। तो उसमें ये नहीं है कि ये पेन किलर की तरह नहीं है कि आधा घंटा काम करके तो पेन से रिलीव आ जाए तो फिर काम रुक जाना चाहिए। तो ये मेडिसिन स्लो एक्टिंग मेडिसिन होती है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्टिविटी शो करती रहती है और इंडिविजुअल जब वो कम्फर्ट फील करते हैं। सेकेंड नंबर पे सिक्रीशंस, ये बिल्कुल ये भी उसी तरह ही है जैसे ड्रग्स के खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम की सिक्रीशन जो है वो कम या ज्यादा होने के चांसेस थे, इसी तरह फूड के वजह से भी सिक्रीशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाना, बाइंडिंग टू ड्रग्स जो है भाई, ये जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था ना बाइंडिंग टू न्यूट्रिएंट्स, वहां पे हमने देखा था कि एंटीसिड्स जो थे वो फास्फोरस को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और फास्फोरस अवेलेबल नहीं होती। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैल्शियम जो है वो टेट्रासाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उसको अपने साथ बाइंड कर लेती है और अल्टीमेटली वो ड्रग जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और पांचवा मैकेनिज्म जो है इसके अंदर उसमें आप कह सकते हैं कि दोनों का कंपिटिशन होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें जो कामयाब हो जाएगा उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, जो कामयाब नहीं हो सकेगा उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट होगी। ड्रग न्यूट्रिएंट कैन इंटरैक्ट एंड अल्टर मेटाबॉलिज्म, अब तीसरी स्टेज आ गई, इनटेक से निकल के एब्जॉर्प्शन वाली स्टेज गुजर गई और अब मेटाबॉलिज्म वाली फेज है। तो मेटाबॉलिज्म जो है इसमें भी हम बहुत मुश्किल है कि हम कहें कि 100% जो है ना इस इंटरेक्शन को हम रोकने में कामयाब हो जाए, क्योंकि गेंद अब हमारे हाथ में नहीं रहती। तो इसमें नंबर वन स्ट्रक्चरल एनालॉग, यानी मेडिसिन और फूड जो है कंपोनेंट वो उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, तो इसके नतीजे में डिस्टिंक्शन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल एंटी कोगुलेंट्स हैं, ठीक है, और वाइटामिन के जो है, ठीक, इनका आपस में इंटरेक्शन होने के चांसेस मेटाबॉलिज्म वाली फेज के ऊपर जो है वो जाके बढ़ जाते हैं। तो अब फर्ज किया एक बंदा है उसने ब्लड को थिन रखना है, ठीक है, वो ऐसी मेडिसिन ले रहा है कि ब्लड उसका जो है वो कोगुलेट ना करे, क्योंकि कोगुलेट करने से उसको हार्ट के रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जबकि वाइटामिन के अगर वो सप्लीमेंट की फॉर्म में आ रहा है या किसी फूड के थ्रू आ रहा है तो चांसेस आर देयर कि ये जाके अपना कोगुलेशन वाला काम करेगा। अब दोनों अपोजिट चीजें हैं, तो फूड उसने ऐसी खा ली कि जो ब्लड को थिक करने जा रही है और मेडिसिन उसने ऐसे ले ली कि जो ब्लड को डिल्यूट करने जा रही है, तो अब इंट्रैक्शन में जो सक्सेसफुल हो जाएगा वो सुपरसीड कर जाएगा। इसके अलावा बाज दफा ये एंजाइम्स के लिए कम्पीट करती हैं और एंजाइम्स जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो भी काम करना था, चाहे वो कैरियर का काम करना था, चाहे वो मेटाबॉलिज्म का काम करना था, वो डिस्टर्ब होगा। तो फिनोफारबिटर और फोलेट ये दोनों जो है ना इस तरीके से इनका इंट्रैक्शन हो जाता है, इंजाइम्स के लिए ये कम्पीट करती हैं और इसके अलावा इंजाइम्स की एक्टिविटी को चेंज कर देती हैं। तो इंजाइम्स का काम क्या था, वो तो स्पीड अप कर रहे थे रिएक्शन को, वो रिएक्शन जो है वो फूड के सिलसिले में भी हो सकता था, वो ड्रग के सिलसिले में भी हो सकता था। तो अगर इनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी तो इसके नतीजे में भी सिस्टम डिस्टर्ब होगा। चौथा जो मैकेनिज्म है वो एक्सक्रीशन के रिलेटेड है,
तो एक्सक्रीशन के रिलेटेड फिर दोनों डायमेंशंस हैं कि बाज दफा ड्रग्स की वजह से न्यूट्रिएंट की एक्सक्रीशन डिस्टर्ब हो जाती है, यानी या तो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, और बाज दफा फूड्स की वजह से ड्रग्स की एक्सक्रीशन या वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसमें हम पहले बात कर लेते हैं कि ड्रग्स जो है ना, वो अगर कोई बंदा खा रहा है तो उसका बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का एक्सक्रीशन कैसे डिस्टर्ब होता है। तो फॉर एग्जाम्पल किडनीज जो है, अगर किसी ने ड्रग ले लिया डायोरेटिक्स, ड्राई डायोरेटिक्स का काम क्या है कि यूरिनेशन ज्यादा कर दी जाए, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि जब यूरिनेशन इंक्रीज करेगी तो बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बैलेंस डिस्टर्ब होगा, सोडियम पोटाशियम के वेस्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नॉर्मली किडनी क्या करते हैं कि वो इन मिनरल्स को, इन इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब करते रहते हैं और बॉडी में वापस भेजते रहते हैं, लेकिन अगर डायरेटिक लेते हैं तो उससे ये रीअब्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है और दोनों न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा डिस्प्लेसिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर प्लाज्मा प्रोटीन कैरियर्स, फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन जो है वो किसी ने मेडिसिन ली हुई है तो वो फोलेट को डिस्प्लेस कर देती है, और फोलिक एसिड का बॉडी के अंदर जो स्टे करने का टाइम है वो खत्म हो जाएगा, उसके बॉडी में से लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे एक्सक्रीशन के थ्रू। और लास्ट वही कंपोनेंट है वो फूड कैन आल्टर दी ड्रग एक्सक्रीशन, और इसमें बड़ी क्लासिकल एग्जांपल दी जाती है, ठीक है, ऐसी सिट्रस फैमिली बेसिकली जो कि एसिड में रिच होती है, तो ऐसी फूड्स लेने से यूरिन की एसिडिटी चेंज हो जाती है, और जब यूरिन की एसिडिटी चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजों की एक्सक्रीशन, बहुत सारी ड्रग्स की एक्सक्रीशन डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन जो हमने इसलिए ली थी कि हम ब्लड को डिल्यूट करना चाहते थे, स्पेशली जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं उनके पास सबसे चीप सोर्स जो है वो इसी का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये वाइटामिन सी लेने से, स्कॉर्पियस एसिड लेने से, या वो फूड जो कि ऑरेंज लेमन जिनके अंदर ये कुदरती तौर पर ज्यादा पाया जाता है उनकी वजह से, साथ अगर हमने कोई डिस्प्रीन एस्प्रीन इस तरह की कोई मेडिसिन ली हुई है तो वो उसका एक्सक्रीटरी लेवल जो है वो लिमिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट भाई हम ये जो हमने अभी मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं उनकी एग्जांपल्स हमने ली हैं उनकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी गई है ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाए। तो इसको भाई हम कंटिन्यू करते हैं, ये दोबारा में रीज्वाइन करना पड़ना है, टाइम जो है वो ओवर हो गया इस वाले केस में, तो हम दोबारा ज्वाइन करते हैं तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहला मैकेनिज्म जो था, इंट्रैक्शन जो था वो इनटेक वाली फेज पे हो रहा था। तो इनटेक वाली फेज जो है, आपने एक आम ऑब्जर्वेशन ली होगी कि बाज दफा हम मेडिसिन को किसी चीज में डिजॉल्व करके, बच्चों को स्पेशली, और बहुत सारी मेडिसिन भी अब ऐसी अवेलेबल है कि जिनके अंदर उन्होंने सीरप या कोई स्वीटनर जो है वो यूज किया होता है ताकि उसकी पैलेटेबिलिटी को इनहांस किया जा सके। तो पुराने वक्तों में यही था कि मेडिसिन जो है वो पानी में डाली और कुछ चीनी उसके अंदर शामिल की या कुछ और कोई दूध जो है उसमें ऐड किया और उसकी वजह